उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में नौनिहालों को स्कूल लाने और पढ़ाने के मकसद से एक प्राइमरी स्कूल ने एक अनोखा प्रयास किया है। दरअसल इस विद्यालय का रंग रोगन इस तरीके से किया गया है कि बच्चे ही क्या उनके अभिभावक भी इस स्कूल की बिल्डिंग देखकर इसकी ओर खिंचे चले आएंगे। दरअसल इस विद्यालय में निपुण एक्सप्रेस के डिब्बों में सवार होकर नौनिहालों के भविष्य का सफर तय किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय सीतारामपुर में हेडमास्टर के अनोखे प्रयास से निपुण भारत एक्सप्रेस को तैयार किया गया है। अमेठी तहसील के सीतारामपुर गांव में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल को पेंटिंग कला से निपुण एक्सप्रेस ट्रेन का आकार दिया गया है। इस पूरे विद्यालय में पेंटिंग करके ट्रेन के आकार की तरह बनाया गया है। इसको इस तरह का आकार देने में विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ पेंटर का भी एक बेहद बड़ा योगदान है। विद्यालय की प्रधानाध्यापक बताती हैं कि हमारे अपने स्कूल के लिए कुछ अलग करने की सोच रहे थे और ये सोच काम कर रही है। इसको बनवाने में इन्होंने अपना पैसा खर्च करके ये स्कूल की बिल्डिंग बनवाई है, जिससे इनका कहना है कि हमारे स्कूल को अलग दिखने पर अब हमारे विद्यालय में जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे वो बच्चे स्कूल में आने लगे हैं और उनके माता पिता उन बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और अब ये बच्चे स्कूल आकर मन लगाकर पढ़ाई भी करते हैं। बच्चों के साथ बाहर के लोग भी विद्यालय में देखने के लिए आते हैं। वहीं बच्चे अब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों ने बताया कि अब हम लोग बराबर स्कूल आते हैं। वहीं स्कूल में बच्चे भी अलग ही प्रतिभा के साथ अब पढ़ाई कर रहे हैं। एक प्रधान अध्यापक का बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तरह का प्रयास सराहनीय है। मेरा नाम तो कृष्ण कुमार गुप्ता है, लेकिन किसान आर्ट के नाम से मेरी पेंटिंग की जाती है। कहाँ से पेंट कैसे सीखे थे ट्रेनिंग बनाने स्कूल में कहाँ से? अब सर देख रहे हैं सरकार द्वारा जो योजनाएं चला जा रही हैं उससे भी हम भी प्रेरित हुए और हमको भी ऐसा भी लगा कि अगर शिक्षकों का सहयोग मिला तो हम कुछ अच्छा विद्यालय में करें। इससे हमको एक प्रेरणा मिली कि हमको विद्यालय को इतना आकर्षक बनाना है कि बच्चे अपने आप एडमिशन कराने के लिए विद्यालय में आने लगे, क्योंकि बहुत पहले बहुत गड़बड़ स्थिति रहती थी विद्यालयों की। और हमने चित्रकारी अनंतराम पांडे जी से सीखी है और ये सब जो है हम अपने आप से प्रेरित होकर ये विद्यालय को, हमको बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी विद्यालय में कुछ अलग करता हूँ। तो और भी कोई विद्यालय यहाँ पे बनाए कि पहला विद्यालय यहाँ पे बना है? नहीं, आप अमेठी विकास खंड में पहला विद्यालय ऐसा बना है। क्या नाम है आपका, किस पद पे हैं? मेरा नाम नीलम तिवारी है, हम प्राथमिक विद्यालय सीतारामपुर में हेडमास्टर हैं। हम यहाँ पे आप विद्यालय में निपुण एक्सप्रेस ट्रेन जो है निर्माण पेंटिंग के द्वारा कराएंगे, कैसे प्रेरणा मिली है इस सब करने के लिए आपको? कुछ अलग करने की चाहत थी कि कुछ अच्छा करें, लोगों को आकर्षित लगे, बच्चों को, और कुछ हमारे विभाग के हमारे अधिकारियों का भी राह प्रेरणा मिली और कुछ अच्छा करने का। हम संकुल हैं, इस वजह से कुछ अलग करके हमें ये ड्यूटी मिली थी कि आप अपने विद्यालय कुछ अच्छा निपुण बनाइए, जिससे आपके विद्यालय को देख के बाकी लोग प्रेरित हों। यह सब देख करके हमने कुछ अलग करने की चाह की और हमारे पेंटर हैं श्री कृष्ण कुमार जी, धमौर के रहने वाले हैं, उन्होंने ये अलग एक अनोखा बताया तो हमें अच्छा लगा, तो हमने ये निपुण भारत एक्सप्रेस चलवाई है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। गांव के लोग भी आते हैं फोटो खिंचाने के लिए कि भाई मैं मैडम जी की स्कूल में है, और बच्चे जो नहीं आते थे वो भी आने लगे हैं कि चलिए मेरे स्कूल में ट्रेन बन गई है, बहुत उत्सुक होते हैं और अक्सर जा करके आवाज़ ट्रेनों की निकालते हैं, और बच्चों की ट्रेन की आवाज़ निकालने से ही मुझे प्रेरणा मिली कि हम उसके वीडियो में ट्रेन की ही आवाज़ डालें, तो इस वजह से हमने उसमें ट्रेन की आवाज़ डाली और उसको भेजा था सर अधिकारियों के पास। जी।